उन्नी मेनन एक मलयालम फिल्म पार्श्वगायिका है। संगीत निर्देशक इलैयाराजा के वायलिन वादक कुंजू ने उन्हें संगीत निर्देशक बी आर चिंद्रवनाथ से मिलवाया और उन्नी का संगीत करियर 1981-82 में शुरू हुआ। उनका पहला गाना अमुथुमा थेनामा कभी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन पोन मान ने कोम्बाना ओनो के साथ वह 1984 में एक प्रसिद्ध गायक बन गए। वह एक गायक थे और फिल्म कदाथु के लिए उनके ट्रैक सुनने के बाद केजे यशुदास ने पूछा संगीत निर्देशक श्याम को इसे स्पष्ट करने के लिए। और कदाथु गीतों की भारी सफलता के बाद उन्नी हिट संगीत निर्देशक श्याम के लिए एक नियमित गायक बन गए। श्याम ने उन्हें मना थे होरी पोल्ला वल्लीकुलुक्कमा और कल्लीकुलुक्कमा कायम मप्पू कोथु थरुमा और युजोथुमा मदगमा सत्ययु मेथो जैसे कई लोकप्रिय गाने दिए है। फिल्म संगीत क्षेत्र में श्यामन के पतन के बाद मलयालम फिल्म संगीत जगत में उन्नी का करियर भी खतरे में पड़ गया। उस अवधि के दौरान उन्होंने अपने समकालीन पार्श्व गायिका असलता के साथ रंगा गीथी और राग लहरी जैसे कुछ हिट निजी एल्बम दिए हैं। भगवान गुरुवा यूरोपन्ना पर एक हिंदू भक्ति ऑडियो एल्बम पचा जनियामा ने उन्हें मलयालम ओडिया जगत में बहुत प्रसिद्ध दिलाया। उन्नी मेनन चेन्नई चले गए जहां उन्होंने आवड़ी में भारी वाहन फैक्ट्री में नौकरी की। दक्षिण भारत में कई प्रमुख रिकॉर्डिंग स्टूडियो चेन्नई में स्थित थे। संगीत में उनकी रुचि के कारण वे नियमित रूप से इन स्टूडियो में जाते थे और गायक केजे यशुदास और संगीतकार इलैयाराजा जैसे कई प्रमुख कलाकारों से उनकी पहचान हुई। जल्दी उन्होंने प्रमुख गायिकाओं के लिए गायक ट्रैक से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कई संगीत निर्देशकों द्वारा पसंद किए जाने वाले गायक बन गए।